हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ एंड पावर में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये मेरा पहला वीडियो है। तो अगर मेरी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मेरा नाम सुशांत है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा पेपर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखते हैं, पेपर इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, पेपर को हिंदी में कहते हैं कागज। तो अगर हम कागज का परिचय देखें तो हम इसे कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी को इनविटेशन लेटर देना हो उसमें भी यूज़ करते हैं, और प्रिंट करने भी यूज़ करते हैं, यहाँ की नोटों में भी यूज़ करते हैं। आप तो अपना इतिहास पेपर में ही लिखते हैं, क्या आपने कभी पेपर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखते हैं, पहले पहले तो लोग पेपर पेपर में तो लिखते नहीं होंगे, पहले लोग पत्थरों में लिखते होंगे। पत्थर में, लकड़ियों में, लकड़ियों में इन्हें इनमें लिखते थे। तो इसे बहुत सालों तक महफूज रखा जाता था, और फिर हम ये कह सकते हैं कि चीन ने कागज़ की खोज की 105 एडी में। कि उस समय जो राजा था उसका नाम था हैंग, तो उसके एक सरकारी अधिकारी ने उसकी खोज की थी, जिसका नाम था साई ओन। क्या नाम था? साई ओन नाम था। इसने हम तो इकोलिप्टस ट्री और बहुत सी चीजों का पेड़ का इस्तेमाल करके हम कागज बनाते, लेकिन उतना सुंदर नहीं बन पाता। जो साई ओन थे, इन्होंने तो धतूर के नहीं कह सकते, भांग के पेड़, सहतूत के पेड़ और पेड़ों की छाल और रेशम लेके इन्होंने बहुत अच्छा कागज़ बनाया था, जो कि जिन्हें कहते हैं कि कागज़ का संत, वही कागज़ का संत। ये जो कागज़ था बहुत चमकीला था और बहुत सुंदर था, लोग ऐसा कहते हैं। तो जब इन्होंने कागज़ की खोज की तो इनको ही कहने लगा कागज़ के संत। अब बात करेंगे भारत में कैसे आया कागज़। ये तो हम कह सकते हैं कि चीन के बाद भारत में ही आया कागज़, क्योंकि यहाँ पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पाई गई कागज़ की। यहाँ पास चीन के बाद भारत में ही आया कागज़, क्योंकि इसमें पहला कारखाना था हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी के तट पर कब था? 1870। में था। इस खोज के बाद पूरे भारत में कागज का प्रख्यात हुआ, प्रसार हुआ। अब मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में।